जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर बारिश के दौरान जानलेवा साबित होने वाली सिस्टम की बंद इंतजामी से जुड़ी है। बारिश का मौसम अभी नहीं आया लेकिन इस बीच बेंगलुरु में बादल जमकर बरसे और एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के एक अंडरपास में एक गाड़ी फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया लेकिन एक 22 साल की लड़की की जान चली गई। इसके बाद सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बारिश के दौरान ऐसे हादसे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी होते रहे हैं, वहां भी ऐसे हादसों के बाद हंगामा होता है लेकिन सच्चाई ये है कि ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि बेंगलुरु की घटना से सबक लेना जरूरी है इसलिए मॉनसून से पहले जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ऐसी सूरत में सुरक्षित बच निकलना एक चमत्कार है। ऑटो रिक्शा करीब करीब पानी में डूब चुका है लेकिन उसके अंदर एक महिला है। दूर खड़े लोग शोर मचा रहे हैं लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन ऐसे हालात में भी महिला ने होश नहीं गंवाया। उसने जोर लगाया और ऑटो की छत पर आकर बैठ गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने उसे निकाल लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। लेकिन ठीक इसी जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक परिवार को लेकर जा रही गाड़ी अंडरपास के गहरे पानी में फंस गई और परिवार डूबने लगा। जब उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। बाद में रेस्क्यू टीम भी बचाव में जुटी और परिवार के 5 लोगों को निकाल लिया गया लेकिन इंफोसिस में काम करने वाली 22 साल की एक लड़की को नहीं बचाया जा सका। खबर के मुताबिक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं और केआर सर्कल अंडरपास का ये इलाका विधानसभा के करीब है, यानी प्रशासन को यहाँ पानी भरने की समस्या की खबर जरूर होगी। फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। बेंगलुरु हो या दिल्ली या फिर मुंबई, हर साल बारिश में ऐसे मंजर सामने आते हैं। अंडरपास में या सड़कों पर पानी जमा होता है और हादसे होते हैं, फिर भी सबक नहीं लिया जाता। इसलिए जरूरी है कि इस बदइंतजामी के खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि बेंगलुरु में यह हादसा कैसे हुआ। विजयवाड़ा से भानुरेखा का परिवार बेंगलुरु देखने आया था। तेज बारिश के कारण अंडरपास पर लगा बैरिकेड गिर गया था और ड्राइवर ने अंडरपास पास करने का जोखिम उठाया लेकिन आगे ज्यादा पानी जमा था जिसमें गाड़ी डूब गई। हालांकि सिर्फ केआर सर्कल ही नहीं बल्कि बेंगलुरु के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। गनीमत रही कि केआर सर्कल जैसा हादसा कहीं और नहीं हुआ लेकिन बेंगलुरु ही नहीं, देश के बड़े शहरों में बारिश हर साल ऐसी बेहिसाब चुनौतियां लेकर आती है। दिल्ली में अभी गर्मी है लेकिन जल्दी ही जब मानसून आएगा तस्वीरें कुछ ऐसी ही होंगी। लगातार हुए जानलेवा हादसों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले साल मई में दिल्ली के प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास में डूबने से एक आदमी की मौत हुई। 2021 में 27 साल का एक लड़का प्रहलादपुर अंडरपास में ही डूब गया और जुलाई 2020 में 56 साल के एक आदमी की मिंटो रोड पुल के पास डूबने से मौत हो गई। पिछले साल मॉनसून से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 200 से ज्यादा जगहों की लिस्ट बनाई थी जहां पानी जमा होता है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और डीडीए को लिखा था। वहां ड्रेन की साफ सफाई और पंप लगाने को कहा था लेकिन इस साल जब बारिश आएगी तो उम्मीद यही है कि कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसी ही कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। बारिश की वजह से हर साल मुंबई का हाल बेहाल होता है। दादर, सियोन, माहिम और किंग सर्कल जैसे इलाके पानी में डूब जाते हैं, सड़कें नजर नहीं आती और उस पर खुले मेन होल बड़े हादसे की वजह बनते हैं। मुंबई पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई हादसों की गवाह रही है जिसके बाद चीजें दुरुस्त करने का दावा तो किया जाता है लेकिन बारिश खत्म होते ही शोर भी खत्म हो जाता है। बेंगलुरु में हुए इस हादसे के बाद सरकार एक्टिव हुई। सरकार ने परिवार को भारी भरकम मुआवजा दिया।
बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के ऐसे इलाकों का ऑडिट करने का भरोसा दिया गया जहां पानी जमा होने से हादसे की आशंका रहती है। लेकिन एक बात साफ है कि बेंगलुरु जैसे हादसों को अगर रोकना है तो ठोस पहल करनी होगी। बद इंतजामी के खिलाफ हॉर्न बजाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।